हॉट डेजर्ट पे रहते हैं कुछ एनिमल्स कोल्ड माउंटेन्स पे रहते हैं कुछ एनिमल्स प्लेस एरियाज में रहते हैं कुछ कुछ एनिमल्स ट्रीज पे रहते हैं और कुछ एनिमल्स वाटर पे रहते हैं द प्लेस वेयर दे लिव कॉल्ड हैबिटेट द प्लेस वेयर दे लिव कॉल्ड द हैबिटेट तो जहाँ Uh, uh, ऐसी जगह जहाँ हम रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं हैबिटेट कहते हैं मतलब मीन्स एनिमल जहाँ रह रहे हैं जहाँ वो रहते हैं और जो जहाँ ग्रो करते हैं हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि वॉट इज हैबिटेट तो द प्लेस वेयर दे लिव कॉल हैबिटेट वी कैन वी कैन मेक फाइव ग्रोप्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट तो एनिमल्स की अलग अलग हैबिटेट्स होती हैं एनिमल्स की अलग अलग हैबिटेट होती है तो उसी के अकॉर्डिंग हमने फाइव ग्रुप्स बनाया है कि एनिमल जहाँ रहते हैं तो उसमें से फर्स्ट ग्रुप है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मीन्स एनिमल लिविंग ऑन लैंड सेकेंड एक्वेटिक एनिमल थर्ड एम्पीबियंस फोर्थ एरोबियल एनिमल्स फाइव एरियल एनिमल्स एनिमल्स इन एयर तो चलिए फर्स्ट हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एनिमल लिविंग ऑन लैंड समझते हैं तो चलिए अब हम टेरेस्ट्रियल एनिमल मींस, एनिमल लिविंग ऑन लैंड के बारे में समझते हैं एनिमल्स डेट लिव ऑन द ग्राउंड ऑल द टाइम आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल एनिमल जो हर टाइम जो ऑल टाइम ग्राउंड में मीन्स जमीन पे रहते हैं उसको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं मीन्स एनिमल लिविंग ऑन लैंड दे हैव लार्ज लेग्स उनके पास लार्ज लेग्स होते, होते हैं मीन्स लार्ज पैर होते हैं टू वॉक और रन चलने के लिए और दौड़ने के लिए एनिमल्स लाइक स्नेक दैट डू नॉट हैव लेग्स टू वॉक और रन जैसे कि एक आ, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मीन हम हाँ तो चलिए अब हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं मीन्स स्नैक्स ठीक है स्नेक स्नेक के पास लेग्स नहीं होते बट उसके पास स्केल्स होते हैं क्रॉल करने के लिए हैव डू नॉट हैव लेग्स उसके पास लग्स लेग्स नहीं होते हैं चलने और दौड़ने के लिए हैव स्केल्स टू हेल्प देम टू क्रॉल तो उसके पास स्केल्स होती हैं क्रॉल करने के लिए और हैव लंग्स टू ब्रीथ एयर एंड तो uh, uh, उनके पास लंग्स होता है अपने ब्रीथ uh, करने के लिए ऐसे हमें आ, आ, हमें लंग्स की ज़रूरत है क्यों ब्रीथ करने के लिए ठीक है तो एनिमल्स को भी लंग्स की ज़रूरत होती है जो पार्ट हमें ज़रूरत है वो एनिमल्स को भी जरूरत होते हैं तो उनके पास लंग्स होता है ब्रीथ करने के लिए और अपने सेंस ऑर्गन्स को और अच्छे से डेवलप करने के लिए फूड ढूंढने के लिए और टू पॉइंट फूड एंड सेंस सेफ्टी और डेंजर एनिमल लिविंग इन कोल्ड प्लेस लाइक शीप तो अभी हमने अभी हमने समझा कि कुछ एनिमल्स कोल्ड माउंटेंस पे रहते हैं कोल्ड प्लेस कोई हॉट डेजर्ट पे रहता है हॉट प्लेस कोई प्लेस एरिया पे रहता है कोई वाटर और कोई ट्रीज तो so, इसमें से एनिमल लिविंग इन कोल्ड प्लेस एनिमल जो कोल्ड प्लेस पे रहते हैं लाइक like, जैसे शीप है जो शीप होती है रैबिट और पोलार बियर ये ठंडी ये ठंडी जगहों में रहते हैं थिक टू कीप उनके पास थिक फिर होता है वाम रहने के लिए मतलब गर्म रहने के लिए उनके पास थिक फिर होता है उनके पास थिक, थिक फिर होता है उनकी बॉडी को वाम मीन्स गर्म रखने के लिए डेजर्ट एनिमल हैम फ्रॉम द सन तो जो आ, आ डेजर्ट में देखते हो कि कितनी तेज़ धूप होती है तो डेजर्ट एनिमल के पास थिक स्किन होती है उसे प्रोटेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए ठीक है बहुत वहाँ पे सन की मतलब वहाँ पे बहुत तेज़ धूप होती है इससे ना स्किन ही हमारी बहुत ज़्यादा हार्म होती है तो जो एनिमल्स होते हैं जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं उनके पास थिक स्किन होती है सन की सनलाइट अपने इसमें ज़्यादा हम लोग की इस, उनकी स्किन में ज़्यादा वो नहीं कर पाती ठीक है अब कैमल अ फॉर्म पैंक सो डैट इट कैन लिव विदाउट फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम इट कैन स्टोर वाटर इन इट्स मसल अब अगर आप डेजर्ट गए होंगे तो आपको पता ही होगा वहाँ पे कैमल्स होते हैं ना और आपको ये भी तो पता होगा कि जो डेजर्ट होता है वहाँ पे दूर दूर तक दूर दूर तक वहाँ पे वाटर नहीं होता है, ना वहाँ पे फूड मिलता है तो कैमल्स कैसे वहाँ पे लिव कर पाते हैं तो आप आपको होगा कि जो कैमल्स होते तो हैं उनके पास एक हम्प होता है हम्प होता है वहाँ पे वो अपना फूड स्टोर कर पाते हैं फूड फ्रॉम अ पैड के तरीके तो वो अपना फूड स्टोर कर कर पाते हैं इस वजह से वो बहुत ही लॉन्ग टाइम वो बहुत ही लॉन्ग टाइम रहते हैं एंड इट कैन लिव विदाउट फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम वो बिना फूड के कुछ दिन रह सकते हैं